जी सभी को मेरा नमस्कार। अभी भी कुछ आंगनवाड़ी वर्कर्स को HCM की और THR की एंट्रीज जो है वो कहाँ से करनी है, शायद इस विषय के ऊपर कन्फ्यूज़न है, तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, जब आप डेली ट्रैकिंग में जो है पोषण ट्रैकर में लॉग इन करके देखते हैं, तो सबसे पहले आपके पास टॉप में ऑप्शन आती है, वो आती है आंगनवाड़ी सेंटर का स्टेटस कि ओपन है या क्लोज है। तो ये जो है आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसमें, आपने ओपन के ऊपर, जब आंगनवाड़ी के अंदर ओपन है तो ओपन पे करेंगे आप टिक, जब क्लोज़ है तो आप क्लोज़ पे करेंगे। उसके बाद जो है AWC फ़ोटो, आंगनवाड़ी सेंटर का फ़ोटोग्राफ, तो ये इसके ऊपर मैं आपके साथ पहले भी एक वीडियो जो है वो शेयर कर चुका हूँ। AWC फ़ोटो के ऊपर आपको क्लिक करके जो है यहाँ से फ़ोटो जो है वो आंगनवाड़ी सेंटर का अपलोड करना है। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पे है अटेंडेंस और मॉर्निंग स्नैक्स, तो इसमें जो है जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अटेंडेंस आएगी, जिसमें आप क्लिक करके देखेंगे कि जो बच्चे आपके आंगनवाड़ी स्कूल में PSC के हैं तो उनके आगे जो है आप उनकी जो आ रहे हैं अटेंडेंस को मार्क कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मॉर्निंग स्नैक्स, जब आप मॉर्निंग स्नैक्स के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो जो बच्चे जिनकी अटेंडेंस आपने लगाई उनके आगे ही मॉर्निंग स्नैक्स की भी ऑप्शन आ रही है, तो आप मॉर्निंग स्नैक्स के ऊपर जो है वो क्लिक करके इसके ऊपर टिक करके आप जो है सबमिट कर दें। उसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन आएगी THR और HCM की, तो THR और HCM की जो ऑप्शन है उसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए आगे जो है ये बाइफर्केशन होगी, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर, चिल्ड्रन 6 माह से 3 साल के और चिल्ड्रन 3 साल से 6 साल तक के। तो इसमें आपने HCM जो है वो कैसे सिलेक्ट करना है, देखिए चिल्ड्रन 3 साल से 6 साल की कैटेगरी के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आगे आपके पास जो बच्चे इस कैटेगरी में होंगे उनकी एक लिस्ट आएगी, तो इसमें आपने HCM, ये देखिए लेफ़्ट साइड में HCM है और राइट साइड में THR, तो आपने जो है डेली HCM के ऊपर क्लिक करके आपने सबमिट करना है। ये दिन में सिर्फ एक बार ही होगा, इस बात का जो है ख्याल रखें कि THR के ऊपर आप क्लिक ना करें, क्योंकि आप 3 से 6 साल के बच्चों को HCM देते हैं तो आप HCM पे क्लिक करें। उसके बाद जो है एक्टिविटी के ऊपर जो है जो आपने करवाई पर्सनल हाइजीन या प्री स्कूल एजुकेशन, आप उसके ऊपर जो है क्लिक करके अपनी एक्टिविटी को दर्ज करवा सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से ये पूरा प्रोसेस जो है वो क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।